दोस्तों भारत का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पार्ले जी बिस्किट नहीं आता होगा। आप में से बहुत सारे लोग आज भी ऐसे होंगे कि जिनकी चाय पार्ले जी बिस्किट के बिना अधूरी है। बेहद ही सस्ता और स्वादिष्ट यह बिस्किट पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। दोस्तों पार्ले जी समाज का हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो या अमीर, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई खाता है। और हाँ, आप सभी ने भी तो यह बिस्किट खाया ही होगा, आखिर बचपन में यही तो मिलता था। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, बाजार में कई तरह के बिस्किट्स मौजूद हैं, लेकिन बचपन की उन यादों को भुलाया तो नहीं जा सकता। तो चलिए दोस्तों, हम भारत के सबसे पुराने बिस्किट पार्ले जी के बारे में थोड़ी डिटेल में बातें करते हैं। 1929 में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उसी समय मुंबई के विले पार्ले में पार्ले प्रोडक्ट्स नाम की एक छोटी सी कंपनी का निर्माण हुआ था, जहां मुख्यतः टॉफियों का उत्पादन किया जाता था। और फिर करीब 10 सालों के बाद कंपनी ने बिस्किट का उत्पादन करना भी शुरू कर दिया, जिसके अच्छे क्वालिटी और सस्ते दाम की वजह से यह कंपनी बहुत ही जल्द प्रसिद्ध होने लगी। उस समय पार्ले कंपनी के इस बिस्किट का नाम पार्ले ग्लूको था। अगले कुछ ही सालों बाद 1947 में भारत भी आजाद हो गया, जिसके बाद पार्ले जी ने एक जबरदस्त एड कैंपेन चलाई, जिसमें दिखाया गया था कि भारत का यह बिस्किट अंग्रेजों के बिस्किट का अल्टरनेटिव है, जिस कैंपेन ने लोगों के दिलो दिमाग पर एक जबरदस्त छाप छोड़ी, क्योंकि उस समय देशभक्ति सभी के रगों में दौड़ रही थी और पार्ले ग्लूको बहुत ही जल्द सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया। 1980 तक इस बिस्किट को पार्ले ग्लूको बुलाया गया, लेकिन इसे बाद में बदलकर पार्ले जी का नाम दे दिया गया। जहां पहले जी का मतलब ग्लूकोज था, लेकिन बाद में उसी जी का मतलब जीनियस हो गया। और दोस्तों इस बिस्किट की एक और अच्छी बात थी कि इसे देखते ही पहचाना जा सकता था। यह बिस्किट पहले वैक्स कागज के पैकेट में आया करती थी, लेकिन अभी कुछ ही सालों पहले से इसे प्लास्टिक के पैकेट्स में पैक किया जाने लगा है। इसके अलावा पैकेट पर छपी छोटी बच्ची भी इस बिस्किट की पहचान बन चुकी है। बीच में सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला था कि इस पैकेट पर छपी बच्ची नीरू देश पांडे हैं, जो कि नागपुर में रहती हैं। लेकिन दोस्तों यह सरासर गलत है। सच्चाई यह है कि इस पैकेट पर छपी हुई बच्ची एक इलस्ट्रेशन है, जिसे 1960 में एक आर्टिस्ट ने डिजाइन किया था। 2003 में पार्ले जी बिस्किट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट था। इसके अलावा भारत में आज भी इसकी बिक्री शीर्ष पर है। दोस्तों भारत के ग्लूकोज बिस्किट के श्रेणी में 70% बाजार पर पार्ले जी का कब्जा है। इसके बाद नंबर आता है ब्रिटानिया के टाइगर का, जिसने बाजार पर 17-18% का कब्जा जमा रखा है। दोस्तों आज के समय में पार्ले जी बिस्किट 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक के पैकेट्स में आती है, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा बिकने वाला पैकेट 5 रुपए वाला ही है। 2014 में पार्ले जी को भारत का 42वां सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाने वाला ब्रांड घोषित किया गया था। पार्ले जी हर साल करीब 100 करोड़ बिस्किट्स का उत्पादन करती है। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप जब यह वीडियो देख रहे होंगे तब 5000 से ज्यादा लोग पार्ले जी खा रहे होंगे। दोस्तों अगर आपके बचपन के भी पार्ले जी से संबंधित कोई भी यादें हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।